नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत यूपी 75 के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, अच्छा काम करने वालों को शाबाशी दें और खराब करने वालों को घर में बैठाएं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले सत्ता में आने पर बराबर करेंगे हिसाब किताब। सीएम योगी की भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, एक अधिशासी अभियंता निलंबित। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यूपी में निकाली जाएगी साइकिल रैली। इलाहाबाद विवि के 76 साल पुराने गृह विज्ञान विभाग का नाम बदला, अब कहलाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए आईआईए बनारस के उद्यमियों ने दिया 21 लाख का दान, 21 लाख की राशि दी दान। उत्तर प्रदेश में युवती ने डीएम से कन्यादान में मांगी सड़क, दुल्हन की अनोखी गुहार से डीएम भी हैरान। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर विवाद की सुनवाई जारी, अगली सुनवाई 27 जनवरी को। पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, अमेरिका की तरह यहां भी झूठ व नफरत की राजनीति को नकारे जाने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की तो हमेशा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा रद्द, 10 साल की जेल भी। अयोध्या में राम मंदिर की नींव, खुदाई में लगेंगे 60 से 70 दिन, एक सप्ताह में फाइनल होगी डिजाइन। अवध शिल्प ग्राम में केंद्रीय मंत्री ने की हुनर हाट की शुरुआत, आज मुख्यमंत्री करेंगे औपचारिक उद्घाटन। दो फरवरी तक चलने वाले हुनर हाट का सीएम योगी ने किया औपचारिक उद्घाटन, हुनर हाट में 21 राज्यों के 500 से अधिक उत्पादों के लगे स्टॉल। उत्तर प्रदेश में अपहृत छात्र गौरव को एसटीएफ ने नोएडा से किया बरामद, महिला डॉक्टर के साथ मिलकर रची थी साजिश। भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रही निषाद पार्टी, अकेले दम पर लड़ेगी यूपी पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश के सिनेमा हॉलों में 29 को रिलीज होगी फिल्म मैं मुलायम सिंह यादव, ओटीटी पर भी लाने की तैयारी। यूपी दिवस पर 24 को धम ऐप लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मिलेगी रोजगार की हर जानकारी। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में दावे की पहली सुनवाई, जवाब के लिए 19 फरवरी तक का मिला समय। अखिलेश ने कहा कि बजट सत्र के बाद जौहर विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन करेगी सपा। आजम खां के घर पहुंचे अखिलेश यादव, बोले बजट के बाद जौहर विवि के लिए सपा करेगी आंदोलन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का सांसद और विधायकों को सख्त संदेश, यूपी पंचायत चुनाव में रिश्तेदारों को ना बनवाएं प्रत्याशी।
अखिलेश यादव के आशियाने के लिए आजमगढ़ में खरीदी गई 2 बीघा जमीन, समाजवादी पार्टी के नाम से हुई रजिस्ट्री। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, एक्सईएन और एसडीएम पर कार्रवाई। गोरखपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराएगा प्रशासन, आवेदन हुआ शुरू। एक फरवरी से शुरू होगी प्रतियोगिता, छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग, गोरखपुर से होगी शुरुआत। टीकाकरण की शुरुआत, इसी के साथ ही टीकाकरण के लिए भी जारी किए गए तमाम कोरोना टीका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे काम आगे बढ़ा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रेरा अथॉरिटी पर अहम फैसला, कहा एक सदस्य की कार्रवाई भी अवैध नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना, बोले नेता क्वारंटाइन और आइसोलेशन में है कार्यकर्ता। लखनऊ में देर रात युवती के साथ बदसलूकी, भाई और पति ने बीच सड़क जमकर की पिटाई, दोनों हिरासत में। उत्तर प्रदेश के 5 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को करेंगे बात। उत्तर प्रदेश में बार खोलने के लिए नियम और शर्तें हुई सरल, अब आबकारी आयुक्त देंगे बार लाइसेंस। यूपी में वाराणसी के मॉल में बम की सूचना से मची खलबली, पहुंचा डॉग स्क्वाड एंड बम निरोधक दस्ता। एनएमए से मांगी आगरा किला की पार्किंग को अनुमति, मिलेगी धूल के प्रदूषण से राहत। कानपुर में अधिकतम तापमान में होगी गिरावट, दिनभर चलेगी तेज हवा और छाया रहेगा कोहरा। कानपुर मेट्रो में आग लगने या किसी और हादसे की स्थिति में टनल से मिलेगी एग्जिट, डिपो में होगी मेट्रो की मरम्मत। औरैया के सदर कोतवाली में 2 बाइकों की हुई भिड़ंत, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। कानपुर के किदवई नगर में अवैध स्टैंड के संचालकों द्वारा ऑटो चालकों से की जा रही अवैध वसूली, वहीं पैसा न देने पर दबंग ने ऑटो चालकों के साथ की मारपीट। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार ने न्याय की लगाई गुहार, कुछ दिन पहले गांव के दबंगों ने परिवार के साथ की थी मारपीट, जिसमें कई लोग हुए थे घायल। तांडव वेब सीरीज को लेकर सुल्तानपुर में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, जहां उन्होंने इस वेब सीरीज को बंद करवाने की मांग। प्रतापगढ़ के सांगीपुर में शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस द्वारा अवैध शराब को लेकर चलाया जा रहा अभियान। आजमगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण हुआ शुरू, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया दूसरा टीका।
अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में बनेगा एक नया भव्य जिला कार्यालय। पार्टी के निर्देश पर 10 नेताओं ने 12 किसानों के एक साथ जमीन की रजिस्ट्री। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में के ब्लॉक के छात्रों ने आपस में ही मारपीट की, जमकर एक दूसरे पर पथराव किया, वहीं बाइकों में भी की तोड़फोड़। लखनऊ के लोहिया संस्थान में MBBS छात्रों ने फिर मचाया बवाल, पर्चा बनवाने पहुंचे दर्जनों छात्रों ने कर्मचारी संघ जमकर की मारपीट। आजमगढ़ में महाराणा प्रताप सेना के बुलावे पर आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर तांडव वेब सीरीज के निर्देशक और अभिनेता सैफ अली खान का फूका गया पुतला। दूसरे चरण में कोविड-19 का टीकाकरण हुआ शुरू, राजकुमार चूरामणि ने लगवाया टीका। उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें बेहद खुशी हो रही है कि भारत में बनी कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, साथ ही 250 ग्राम अवैध हीरोइन भी। निजी क्षेत्र विमानन कंपनी इंडिगो 28 मार्च से आगरा से बेंगलुरु और आगरा से भोपाल रूट पर शुरू करेगी उड़ान। कोरोना के कम होने के चलते इंडिगो ने शुक्रवार को दी ये जानकारी। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में नाले में तैरता मिला एक नवजात का शव, घटना से इलाके में हड़कंप। कानपुर के सरूम नगर थाना क्षेत्र में एक शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने, जहां एक डॉक्टर ने महिला के साथ की बदतमीजी, महिला ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज की शिकायत। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में चंद्र भगवान कॉलेज में किया गया विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, वहीं इस कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी का उपजिलाधिकारी गिरीश कुमार झा ने किया अवलोकन। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में पड़ा मिला एक लापता बच्ची का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। औरैया में सपा के कार्यकर्ता 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों का करेंगे समर्थन। कार्यकर्ताओं का कहना, हम 26 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। वाराणसी में खुद के अपहरण की सूचना देकर 9वीं की छात्र ने परिजनों से मांगी 10 लाख की फिरौती। स्वाति सिंह व परिवार पर अभद्र टिप्पणी का मामला, 27 तक जेल में रहेंगे नसीमुद्दीन और राम अचल। ट्रैक्टर परेड के किसानों के ऐलान को लेकर यूपी में भी अलर्ट, सीएम योगी ने दिया शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई 19 फरवरी को, जवाब के लिए मांगा समय। बिजली निगम में बिल खत्म करने के खेल का खुलासा, सिस्टम में उड़ा दिए पैसे, 2 लाख का बकाया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल और सीएम, साथ ही पीएम लोगों के साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश में नमी लेकर आई पूर्वी हवा से गहराया कोहरा, कल से और ज्यादा बढ़ेगी गलन। अध्यक्ष सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा, हमने टॉयलेट नहीं महिलाओं को सम्मान दिया। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित, सीएम ने दिया बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी को बदमाशों ने मारी गोली, हालत नाजुक।
लखनऊ में ट्रैक्टर रैली लेकर राजभवन जाने की तैयारी में किसान, आज राज्यपाल को देना था ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दौर। उत्तर प्रदेश में लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिजनों ने युवक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश के कारीगरों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराना हुनर हाट का उद्देश्य। नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, योगी सरकार ने दी मंजूरी। आजम खान की पत्नी और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज। यूपी के नोएडा एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, अगवा मेडिकल छात्र बंधक से छुड़वाया, साथ ही तीन को किया गिरफ्तार। कानपुर के सिनेमा घरों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी में नहीं मिली विस्फोटक सामग्री। राम मंदिर के लिए चंदा देने पर बोले एसटी हसन, मैं मुसलमान हूं वो पर स्ती नहीं करता यकीन। यादव का योगी सरकार पर तंज, इलाहाबादी अमरूद का भी नाम बदलकर प्रयागराजी अमरूद हो गया है क्या। राम मंदिर निर्माण की नींव की खुदाई के काम में आई तेजी, 40 फीट तक निकाली जाएगी मिट्टी। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।